भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कई तरह की जानकारी साझा की। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में 2234 बूथ हैं, जिनमें 14 चलंत बूथ शामिल हैं। वहीं जिले में वोटरों की संख्या कुल 2293,233 है। जेंडर रेशियो 22 जनवरी तक के आंकड़ों के अनुसार 888 था, जो काफ़ी चिंताजनक स्थिति थी, और इसमें सुधार करने के बाद जेंडर रेशियो बढ़कर 919 हो गया है। साथ ही इसमें और भी सुधार कर जिले में जेंडर रेशियो 923 तक करने की बात जिलाधिकारी ने कही। जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव के लिए सभी कोषांगों का गठन कर लिया गया है। डीएम ने बताया कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि भागलपुर के मतदाता बढ़ चढ़ कर तन्मयता से चुनाव के दौरान अपने वोटिंग के अधिकार और दायित्व का निर्वहन करेंगे। साथ ही जिलाधिकारी ने 18 वर्ष पूरा कर चुके युवक युवतियों को अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए आवेदन करने और सभी मतदाताओं से चुनाव के दौरान वोट करने की अपील की। आपको लोकसभा निर्वाचन 2024 के बारे में आप सभी को अवगत कराना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ कुल 2234 बूथ हैं, जिसमें कि जो कि 1267 मतदान केंद्र भवन की संख्या है, जिसमें मात्र 14 बूथ चलंत हैं। चलंत का मतलब जो परमानेंट बिल्डिंग में नहीं है, और हम लोग वहाँ टेम्प्रेरी बूथ इस्टेब्लिश करेंगे और पूरी सुरक्षा रखेंगे। और एक अच्छी बात यह है कि जो हमारे यहाँ वोटर्स की संख्या है 2293,233 वोटर्स हैं, और जेंडर रेशियो जब जनवरी में 22 जनवरी को जब इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ, उस समय जेंडर रेशियो 888 था, जिसमें जिसके बाद वो चिंताजनक थी, और हमारी पूरी टीम ने मेहनत किया है और उस जेंडर रेशियो को बढ़ा करके हम लोगों ने 919 किया है। और अभी भी हमारे पास कई फॉर्म्स लंबित हैं जो डिस्पोजल हो जाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जेंडर रेशियो हमारा 923 से अधिक होगा, और हम लोग अभी भी लगे हुए हैं कि इसको इम्प्रूव करें। जेंडर रेशियो का मतलब है कि प्रति 1000 पुरुष वोटर पे कितनी महिला वोटर है। तो पहले 1000 पुरुष वोटर पे 888 महिलाओं का नाम था, अभी 1000 प्रति पुरुष वोटर पे कुल 919 महिला वोटर हो गई है, जो संख्या जो छूटा हुआ था, जो महिलाओं का नाम छूटा हुआ था, हम लोग उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इलेक्शन को देखते हुए हम लोगों ने SST और FST टीम का गठन कर लिया है, और अभी वो बहुत जल्द क्रियान्वित हो जाएंगे। चुनाव के लिए सभी कोषांगों का गठन कर लिया गया है, और आपको बता दें कि अभी तक जो जेंडर रेशियो इम्प्रूवमेंट में कुल 49,347 महिलाओं का नाम अभी तक जोड़ा गया है, जो एक बड़ी चीज़ है। जो महिलाएँ छुटी हुई थी वोट से वंचित, उनको हम किए हैं। हमारे यहाँ PWD वोटर्स 18,490 हैं, और PWD वोटर्स के लिए बूथ पर एक स्पेशल सुविधा होती है, रैंप के साथ। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ट्राईसाइकिल की वहाँ पर व्यवस्था करेंगे, ताकि कोई उनको असुविधा नहीं हो। और सेक्टर्स हम लोगों ने 262 सेक्टर को गठित किया है, और आज से 5-6 दिन पहले हम लोगों ने उन लोगों को सभी लोगों को डिटेल में ब्रीफ भी किया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आम यहाँ की पूरी आम जनता, जो जिनका नाम भी वोटर लिस्ट में है, सभी लोग पूरी तन्मयता से वोट करेंगे। और मैं सभी वोटर से अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, जब भी लोकसभा निर्वाचन हो और जिनका नाम भी वोटर लिस्ट में है, सभी लोग वोट करें। और ऐसे कोई व्यक्ति जो जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो गई है और जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, कृपया आप अभी अप्लाई करें। अभी भी नाम जोड़ने का कार्य जारी है, हम लोग नाम जोड़ेंगे। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सजौर थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध प्रेम संबंध के कारण हुई हत्या के मामले का खुलासा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में SSP ने कहा कि बीते 3 मार्च को सजौर थाना क्षेत्र में मिथुन कुमार उर्फ मिथिलेश कुमार की गोली मारकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें पुलिस द्वारा छानबीन करने पर मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी समेत हत्याकांड में शामिल 5 अन्य युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। SSP आनंद कुमार ने बताया कि DSP लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में टीम गठित कर छानबीन शुरू की गई, जिसमें तकनीकी अनुसंधान और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हत्याकांड में शामिल 8 में से 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि मिथिलेश की हत्या के मुख्य आरोपी सौरभ ने 2 लाख रुपए में सुपारी ली थी, जिसमें कुछ पैसे ऑनलाइन तथा कुछ राशि
कैश का ट्रांजैक्शन किया गया था, जबकि कुछ पैसे का भुगतान करना अभी भी बाकी था। पुलिस ने हथियारों के पास से 4 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों में सौरभ शाह, अंजलि कुमारी, मनोज शाह, मिथुन कुमार और विनय यादव शामिल हैं। एसएसपी ने बताया कि प्रेम प्रसंग में पत्नी की मिलीभगत से उसके पति मिथिलेश की हत्या को अंजाम दिया गया है, जबकि अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है। टीम में सजौर थानाध्यक्ष, शाहकुंड थानाध्यक्ष समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल हैं। सजौर थाना अंतर्गत डोमा बांध एक जगह है, वहाँ पे एक मिथिलेश उर्फ मिथुन नामक व्यक्ति की हत्या परसों अर्थात 3 मार्च की शाम को 7 से 8 बजे के करीब गोली मारकर की गई थी। और इस हत्या में उद्भेदन और अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए SDPO विधि व्यवस्था मंगलेश जी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, जिसमें सब इंस्पेक्टर सूरज जो SHO हैं सजौर थाना के, और इंस्पेक्टर जयनाथ जो शाहकुंड थाना के SHO हैं, और सब इंस्पेक्टर बहादुर और प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर डिंपल कुमारी शामिल थी। इन लोगों के द्वारा इस पूरे हत्याकांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया और कई साक्षियों से, लोगों से पूछताछ की गई और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन किया गया। तो इसमें एक व्यक्ति सौरभ है जिसकी संलिप्तता सामने आई और उनसे पूछताछ हुई तो उस पूरे हत्याकांड में शामिल 7 अन्य लोगों का पता चला और उन सभी के बारे में वैज्ञानिक साक्ष्य भी संकलन किया गया है। और इस पूरे हत्या कारित करने के लिए अपराधियों ने करीब 2 लाख रुपये की बात हुई थी, जिसमें से 40,000 रुपये के ट्रांजेक्शन का भी पता चला है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ जिसमें 20,000 का, उसके भी प्रमाण मिले हैं। और 4 मोबाइल को साक्ष्य के तौर पर जब्त किया गया है। 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें सौरभ शाह, अंजलि कुमारी, मनोज शाह, मिथुन कुमार और विनय यादव। ये 5 लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस हत्याकांड में की गई है और 3 अन्य लोगों की भी पहचान हुई है जो इस पूरे साजिश में शामिल थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगातार प्रयास कर रही है। इस प्रकार 48 घंटे के भीतर एक जो हत्याकांड सजौर में हुआ था 2 दिन पहले, उसका पूरा खुलासा किया गया है। और आज के दौर में बोलने और सुनने की समस्या से हर उम्र के लोग परेशान हैं, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर मरीज उचित परामर्श एवं इलाज के अभाव में इस परेशानी से जूझते रहते हैं। मरीजों की परेशानी को देखते हुए भागलपुर में बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने सेंट्रल बैंक वाली गली में स्थित निराला स्पीच एंड हियरिंग सेंटर में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों मरीज सुनने एवं बोलने की समस्या को लेकर पहुंचे, जहां सभी की निःशुल्क जाँच की गई, साथ ही उन्हें उपकरण भी मुहैया कराया गया। निराला स्पीच एंड हियरिंग सेंटर के संचालक डॉक्टर निशी कुमार ने बताया कि सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई मरीज जांच करवाने पहुंचे, जहां सभी मरीजों की अत्याधुनिक मशीनों से जांच की गई। वहीं डॉक्टर निशी ने बताया कि जांच के दौरान उचित परामर्श देकर पहले 50 मरीजों को मुफ्त में मशीन भी उपलब्ध करवाया गया है। साथ ही डॉक्टर निशी कुमार ने कहा कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। वैसे मरीज जिन्हें बोलने की परेशानी या सुनने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए समय समय पर निराला स्पीच एंड हियरिंग सेंटर की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाता है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप।
सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर कहलगांव के सनोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत बनियाडा गांव में देर रात चोरों ने बिजली ट्रांसफार्मर की क्यू वाइल की चोरी कर ली, जिसके बाद उक्त विद्युत ट्रांसफार्मर से सप्लाई होने वाले तकरीबन 50 घरों में अंधेरा छा गया और बिजली नहीं होने के कारण अब इन इलाकों में पेयजल का संकट भी गहराने लगा। गौरतलब हो कि सनोखर थाना क्षेत्र में विद्युत ट्रांसफार्मर के क्यू वाइल की चोरी में लगातार वृद्धि हुई है। मंगलवार को चोरों ने गाँव के बाहर लगाए गए 16 केवी के ट्रांसफार्मर से क्यू वाइल की चोरी कर ली। वहीं सुबह जब ग्रामीणों को चोरी की जानकारी मिली तो सभी ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से हस्ताक्षर कर सनोखर थाना को अज्ञात चोरों के खिलाफ आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस गांव पहुंची और चोर का पता लगाने में जुट गई है। इधर सनोखर थाना प्रभारी ने कहा कि छानबीन की जा रही है और जल्द ही चोर पुलिस की गिरफ्त में होगा। तोड़ कर लेते गया है चोर। लेते गया। क्या परेशानी होता है? परेशानी हम लोग अनहार में रहते हैं सब कोई। ये ट्रांसफार्मर जो चोरी हुआ चालू था? चालू था। कितने घरों को यहाँ इससे बिजली मिल रहा है? 50 घर को। 50 घर तो अभी कैसे रहते हैं? हम लोग अनारे में रहते हैं। भागलपुर सुल्तानगंज थाना परिसर में महाशिवरात्रि को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अजगैवीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी महाराज, कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू एवं नगर उप सभापति नीलम देवी मौजूद थी। बैठक में महाशिवरात्रि को लेकर अजगैवीनाथ मंदिर से निकलने वाले शिव बारात एवं अन्य सभी शिव मंदिरों में पूजा पाठ को लेकर सभी राजनीतिक संगठन, मंदिर समिति के सदस्य, मुखिया एवं वार्ड सदस्यों ने सभी से शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में महाशिवरात्रि मनाने की अपील की। इस दौरान थानाध्यक्ष प्रिय रंजन ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए शिवरात्रि के दौरान शरारत करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। मौके पर असियाचक मुखिया सदानंद कुमार, प्रभाकर मंडल, अफरोज आलम, संजय चौधरी सहित अन्य राजनीतिक संगठन एवं शिवालय के प्रतिनिधि मौजूद थे। 8 तारीख को महाशिवरात्रि पर्व है, जिसे बाबा जगन्नाथ के दरबार से शिवरात्रि की झांकी निकलती है। बहुत काफी संख्या में भीड़ होते हैं। उसी संबंध में शांति समिति की मीटिंग में लोगों से राय लिया गया कि पिछली बार अच्छे ढंग से कार्यक्रम हुआ था और उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं प्रशासनिक और पुलिस के तरफ से। तो सुझाव आए हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बांका के धौरैया प्रखंड के धनकुंड नाथ मंदिर परिसर में सोमवार को आगामी महाशिवरात्रि मेला को लेकर धौरैया अंचलाधिकारी श्रीनिवास सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महाशिवरात्रि की तैयारी को लेकर रणनीति तैयार की गई। इस दौरान समाज के कई बुद्धिजीवियों ने अपनी अपनी राय रखी तथा कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, ताकि शिवरात्रि के मौके पर किसी भी तरह से शांति व्यवस्था भंग न हो। बैठक में शिवरात्रि मेले में नजर रखने के लिए 16 CCTV कैमरा लगवाने का निर्णय लिया गया। साथ ही असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिस प्रशासन की तैनाती की बात भी कही गई। बैठक के दौरान थाना प्रभारी मंटू कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था का पालन हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद रहेंगी। इस दौरान मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद इस्सार आलम, उमाकांत ठाकुर, मोहम्मद मजहर इमाम, विकास कुमार समेत मंदिर कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे। आउटसोर्स डाटा एंट्री ऑपरेटर भागलपुर की ओर से मंगलवार को मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के नाम भागलपुर, सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य समिति और जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन देकर पुनः टंकन जांच परीक्षा नहीं लेने की गुहार लगाई गई है।
इसको लेकर उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पटना के द्वारा पुनः टंकन जांच करने का विरोध करते हुए डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने कहा कि उन लोगों ने 2020 में परीक्षा दी थी, जबकि वो सभी 2014 से ही सेवा दे रहे हैं। वो सभी विगत कई वर्षों से विभिन्न एजेंसी के तहत कार्य करते हैं और जब भी एजेंसी बदलती है तो उन लोगों का टंकन टेस्ट लिया जाता है, जबकि यहाँ पर अब टेस्ट के नाम पर मोटी रकम की उगाही की जाती है। उन लोगों ने कहा कि उन्हें उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पटना की ओर से नियुक्त किया गया है, जबकि नए कार्यादेश के मापदंड के अनुसार हिंदी, अंग्रेजी टंकन और MS ऑफिस की परीक्षा आयोजित की जानी है, जिसमें सभी ऑपरेटरों को उत्तीर्ण होना अनिवार्य बताया गया है। साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने उनके कार्य अनुभव को देखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी मांगों पर विचार नहीं किए जाने की स्थिति में बात यह होकर उन्हें संघर्ष के मैदान में उतरना होगा, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। हम लोग का अगर मांग पूरा नहीं होता तो हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। क्या चीज का मांग? अस्थाई का नहीं, एग्जाम हम लोग नहीं देंगे। बार बार कितना एग्जाम देंगे? हर एक दो साल तीन साल में एग्जाम लिया जाता है, एग्जाम नहीं देंगे हम लोग।